एक तरफ सरकार माताओं को स्वास्थ्य एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही, मगर रायसेन जिले के मड़देवरा गांव में ना ही माताओं का ना ही बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा है। मैं संगीता, ये मेरा सामुदाय। आंगनबाड़ी नहीं है आपके? हमारे इधर आंगनबाड़ी नहीं है। तो अभी आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, या खेत पे लेके जाती हैं उनको, या कैसे इनको संभालती हैं? अभी तो हम बच्चों को साथ में ले जाते हैं, खेत पे ले जाते हैं। खेत पे ले जाते हैं। अगर इधर घर रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती है और कोई देख रेख को भी नहीं है, अकेले ही हैं हम दोनों। आंगनबाड़ी अगर खुल जाएगी तो आंगनबाड़ी में बैठेंगे। आपके कितनी माँ हैं? दो है, तीसरी। दो कितने दिन है आपके? 8 महीने हैं। टीकाकरण हुआ है? ना, हाथ की बार नहीं। नहीं हुआ। और जे दो की बार हुआ था? हाँ, एक की बार हुआ है, बीच वाली की नहीं हुआ। तो जब टीकाकरण नहीं होते तो फिर कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कत पेट में भी दर्द काफी ज्यादा और हाथ पांव भी दुखते हैं। अबे भी दुखाते हैं? हाँ, कमर दुखाते हैं। पंचायत वाले सुनते ही नहीं है, अगर सुन ले तो आंगनबाड़ी खुल जाए तो हम लोगों को लाभ मिलेगी, सबको। बच्चे भी आंगनबाड़ी में बैठेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि मैं भी तो एक महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि महिला और बच्चों का टीकाकरण ना हो तो क्या परेशानी होती है। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्चना वाजपेयी जी, जिनका मोबाइल नंबर 8871125415 पर कॉल कर दबाव बनाएं, जिससे मड़देवरा गांव में जल्द आंगनबाड़ी खुले। मैं संगीता, ग्राम मड़देवरा, विकासखंड बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।